कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचोली हफ्सी में महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी अभिषेक आनंद ने बताया कि 30 अक्टूबर को बिचोली हफ्सी निवासी महिला के साथ बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए बदमाश वारदात के बाद बाइक पर बैठे बैठे ही कपड़े बदल लिया करते थे। ऐसे में पुलिस के लिए बदमाशों को पकड़ना चैलेंजिंग हो रहा था। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास के करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और वारदात करने की फिराक में घूम रहे आरोपी अभिषेक शर्मा और ऋतिक गुप्ता को धर दबोचा। इनके पास से सोने की चेन और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाते थे और इसी के लिए अपराध करने लगे। इसके अलावा दोनों स्पोर्ट्स बाइक के भी शौकीन हैं और चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुछ दिन पहले ही स्पोर्ट्स बाइक फाइनेंस भी करवाई थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। और पुलिस की जो सजगता से वो जब सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे थे उस समय हमको पुनः ये दिखे जिस तरह के अपराध कारित करने के प्रयास में थे, तो फाइनली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को इसमें पकड़ा है। दोनों आरोपी का नाम अभिषेक शर्मा, पिता अजय शर्मा, और दूसरा है ऋतिक, पिता मुकेश गुप्ता। ये दोनों आरोपी एक एरोड्रम थाना क्षेत्र के, एक बाणगंगा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें अभिषेक है, उसके पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, दो अपराध उसके खिलाफ पंजीबद्ध है, जिसमें एक लूट का प्रकरण भी अन्नपूर्णा थाने पर पंजीबद्ध है, जिसमें वो जेल में भी रह चुका है। तो इस तरह से पूरी जो है इनसे जो मशरूका जो लूट का है वो जो चेन वो भी बरामद किया गया, और इसके अलावा जो जो घटना प्रयुक्त बाइक था वो भी इनसे बरामद किया गया।